नमस्कार, आपको पता होना चाहिए कि लगातार लाठी के दम पर 17 जुलाई को हमने स्पष्ट तौर पर सरकार को कहा कि हमें स्थायीकरण चाहिए, अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुसार चाहिए। और उसी लाठी के दम पर आपकी जो फाइल थी लगातार राज्यपाल महोदय के पास में फंसी पड़ी थी। पक्ष और विपक्ष ने जो विधानसभा सदन में मुद्दा उठा, पूरे देश भर में मीडिया में के मार्फत आपका मुद्दा पहुंचा, आपकी फाइल और नोटिफिकेशन बाहर निकल के आया। जब जब हमने लाठियां खाई, हमको कुछ ना कुछ मिला है। आंदोलन के दम पर हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। इसी दरमियान में मैं आपको बता देता हूँ कि आज की तारीख में किसी भी साथी का स्थायीकरण नहीं हो रहा है। सिर्फ अगर हो रहा है, आज एक कानून की बात करूंगा, कागज की बात करूंगा, झूठी बात नहीं करूंगा। किसी को बुरा लगे तो तीन बार लगे। लाठी चार्ज जब हुआ, आपकी फाइल बाहर आई, और मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि 15 वर्ष जिसके हो गए उसके पदों का सृजन फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी 15 वर्ष जिसके हो गए वो स्थायीकरण के रास्ते पर जरूर पहुंचा है। और लेकिन आज की तारीख में अगर किसी के 13-14 वर्ष है, दो दिन से संयुक्त मोर्चे के तमाम पदाधिकारियों ने जो अधिकारियों से मुलाकात की है उसमें हमें स्पष्ट रूप पर बता दिया गया है कि आपको 1 या 2 वर्ष की शीतलन दी जा सकती है। वो बिंदु संख्या 20 में कहीं शीतलन का कोई जिक्र नहीं है। वो जिक्र ओनली है कि अगर किसी को 13-14-15 वर्ष हो गए हैं, 5वें साल में प्रवेश कर गया है, उस व्यक्ति का स्थायीकरण हो सकता है। उससे नीचे किसी के स्थायीकरण का कोई कागज नहीं कह रहा है। अगर कोई आपको कह रहा है तो बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहा है। लेकिन हम लोगों ने कमर कस लिए, पूरे राजस्थान भर में आंदोलन की शुरुआत होगी और 2 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत संयुक्त संविधान मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी के मुखारविंद से, क्योंकि अंतिम सदन है, अंतिम दिन है, 2 अगस्त को सदन खत्म होगा। उसके बाद में आंदोलन की जबरदस्त शुरुआत होगी। राजस्थान के कोने कोने में जिलों में 5 कैडर के लोग, अल्पसंख्यक विभाग है, शिक्षा विभाग है, पंचायती राज है, चिकित्सा है, IRG भाई है, सारे लोग तैयारी कर ले हुए, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक भी तैयारी कर ले हुए। मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा, स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, आज आपका कागज स्थायीकरण से आप बहुत दूर दूर है। अगर आप स्थायीकरण चाहते हो तो आंदोलन के लिए कमर कस ले। मैं साफ कह रहा हूँ, जो शीतलन की जो साथी बात कर रहे हैं वो शीतलन सिर्फ माननीय अखिल अरोड़ा साहब के मुखारविंद से, चाहे हेमंत खेरा साहब जो DOP सेक्रेटरी थे, CS मैडम, उन्होंने कहा 1 से 2 वर्ष की शीतलन, यानी कि 15 वर्ष में 1 से 2 वर्ष की शीतलन मिल सकती है। बिंदु संख्या 20 में शीतलन का कहीं कोई जिक्र नहीं। हालांकि 17 जुलाई के आंदोलन में बिंदु संख्या 20 में शीतलन की हमने बात रखी थी और हमने वो बात पहुंचाई है, लेकिन फिलहाल उस पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं हुई है। इसलिए मैं आपको साफ कह रहा हूं, मैं भी लाइव आकर किसी चैनल के माध्यम से लंबी चर्चा करूंगा, संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, आंदोलन की तैयारी कर लें। 2 अगस्त को एक बड़े आंदोलन की तैयारी होगी और राजस्थान सरकार को लाठी के दम पर झुका के रखेंगे। हाँ, ये जरूर है, 1 से 2-3 वर्ष की जो शीतलन की बात है वो भी आपको सरकार से लड़कर ही ले सकते हैं। आप चुपड़ी चुपड़ी बातों से, मीठी बातों से नहीं ले सकते, इसलिए पूरी तैयारी कस के रखें अगर शीतलन भी चाहते हो और स्थायीकरण चाहते हो। क्योंकि कागज की बात करेंगे, विधिवेत्ताओं से बात की है, वकीलों से बात की है और तमाम अधिकारियों से सचिवालय में बात करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आज की तारीख में 13-14-15 वर्ष वाला भी स्थायीकरण में नहीं है, सिर्फ 15 वर्ष वाला स्थायीकरण के मामले में है। बाकी आपको सारी चीजों का खुलासा 2 अगस्त को करेंगे। रामजीत पटेल।